बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर जमकर गोलीबारी हुई। बीते कल ही हाजी यूनुस बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए थे, जबकि आज रालोद नेता हाजी यूनुस नई मंडी चौकी क्षेत्र के भाईपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी समारोह से लौटते वक्त हाजी यूनुस के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर गोलीबारी कर दी। दो गाड़ियों पर लगभग 40 से ज्यादा गोलियों के छेद नजर आ रहे हैं। इससे साफ लगता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ हाजी यूनुस पर हमला करने आए थे। जी, लेकिन 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया। 50 से 60 गोली चलाई है, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए गए कि 47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे यूनुस भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। गोली नहीं चलाई हम, जैसे शादी में से निकले घर के बराबर में वो खड़े थे, वहां से उन्होंने गोलियां चला दी, और गोली चला के जैसे ही हमारे गनर बाप पीछे गाड़ियों में वो उतरे। कितने लोग आपके साथ के घायल हुए हैं? 5। और क्या हालत है उनकी? अभी मैं सही से देख भी नहीं पाया हूँ, मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिए थे, अभी उनको सबको रेफर कर दिया गया, अभी पता करूंगा कि कौन उनके साथ गया। उनसे हमलावर पर क्या हथियार थे कुछ मालूम था? जिस टाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलियां चली हैं वो सब स्वचालित असले थे, 100% थे सारे पिस्टलों। कितने लोग थे हमलावर? 5 से 6। क्या आशंका है जो आपको किसी पे शक है? आशंका है वो कप्तान साहब को भी बता दिया, फिर बता। मोहम्मद फराज। ये घटना क्या हुई है भैया? हम शादी में से आ रहे हैं, मोड़ पे शूटर खड़े हुए थे, गोली आरंतार गोली बजानी शुरू कर दे दोनों तरफ से गोली। हमारे इसमें 4 लोग घायल हुए और भाईपुरे के गांव के भी लोग घायल हुए। वो है 4-5। क्या सामने थे भाई, इतना पहचान लेते तो फिर बात ही गई, हम इतना पकड़ लेते। आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी हाजी यूनुस के भाई हाजी अलीम का भी अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगा शव मिला था। हाजी यूनुस के काफिले में शामिल 3 लोगों को गोली लगी है। फिलहाल घायलों को देखने के लिए जिला अस्पताल में हाजी यूनुस के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं इस गोलीकांड से राजनीतिक माहौल में भी हलचल तेज हो गई है। ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर कर के हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है, और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।